हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार सभी का स्वागत करता हूँ फिर से खुशहाल के परिवार में। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कौन कौन सी वैरायटी होती है मटर की, इसकी खेती हम कब से कब तक कर सकते हैं, खाद की कितनी मात्रा रहेगी, किस प्रकार हम इसमें बीज उपचार करते हैं, जानेंगे इस वीडियो में हम। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़मीन की। तो खेत में हमें एक एकड़ में एक बोरी DAP, 20 किलोग्राम पोटास का प्रयोग कर देना चाहिए। अगर इसमें साथ में सल्फर डाल देना चाहिए क्योंकि दाल वाली फसल है। 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ प्रयोग कर देनी चाहिए। इतना प्रयोग करने के बाद आपको क्या करना है, अब खेत में एक एकड़ में लगभग 4 टाली तक बांस इसमें मिला दी, क्योंकि बांस की इस खेत को बहुत आवश्यकता होती है। इसके बाद खेत में इतना चीज़ें मिला के आप क्या करते हैं, DAP आपने खाद उर्वरक मिला दी, और ये इसके बाद आपको उसमें अच्छे से जुताई करवा देना है, 3-4 जुताइयाँ करवा दी, ताकि ज़मीन एकदम से भुरभुरी हो जाए, ढेले इतने अच्छे हो, और ज़्यादा सूखा ना हो, ज़मीन सूखी ना हो ना तो ज़्यादा गीली हो, तो उसको बढ़िया से जुताई करवा दीजिए। जुताई करवाने के बाद क्या करते हैं, आप जितनी भी खाद है उसमें सब मिला ढेले फोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसमें बीज की बुआई कर दीजिए। बीज की मात्रा कितनी रहेगी, तो 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसमें बीज की बुआई कर दीजिए। इतना करने के बाद आप क्या करते हैं, आपके खेत में जब 20-25 दिन की फसल हो जाए तो क्या करते हैं, खेत में अच्छे से जल निकास की व्यवस्था करवा दीजिए, ताकि जो है जल भराव ना हो, क्योंकि ठंडी में जल पानी ज़्यादा हो जाता तब मटर ख़राब हो जाती है। तो आप जल निकास की उत्तम व्यवस्था करवा दीजिए, लाइन से लाइन की बुआई करवाइए। 30 सेंटीमीटर की अगर दूरी आप रखते हैं तब अच्छा रहेगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप खेत में अब आपकी फसल जब 20-25 दिन की हो जाए तो उसमें क्या करिए, NPK 19:19 और ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करवा दीजिए। प्रयोग की मात्रा कितनी रहेगी, तो NPK की 2 किलोग्राम प्रति एकड़ और ह्यूमिक की 5 किलोग्राम प्रति एकड़ इसको प्रयोग करा दीजिए। इसमें फसल क्या होगी, कल्ले अच्छे होंगे, चमक आ जाएगी। उसके बाद सिंचाई की व्यवस्था को आप क्या करना है, ध्यान रखना है, सिंचाई अधिक ना हो ना तो कम हो, हल्की सी सिंचाई करवा दीजिए ताकि केवल पेड़ों में सर्दी बनी रहे। उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके फसल में कई प्रकार के रोग लगते हैं, इसके नियंत्रण के लिए आपको जैसे इसमें ज़्यादातर सड़न की समस्या आती है ठंड में, तब आपको क्या करना है, उसमें सांप के छिड़काव करवाते रहे समय समय पर, और बेहतरीन इसको रिजल्ट मिलता रहेगा। सांप छिड़काव देने से आप में क्या होगा, सड़न गलन की समस्या नहीं आएगी। इसके बाद आपकी फसल जो तैयार हो जाए, कई प्रकार के रोग कीट लगते हैं, उसकी वीडियो जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। इस वीडियो को आप कम से कम 200 लाइक तक पहुंचा दीजिए, फसल आपकी तैयार हो जाएगी और आप इसे मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं। फसल ऐसे फसलों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें।